अगली खबर लखनऊ से है। लखनऊ में कार से एक छात्रा को अगवा कर उसके साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। ये घटना शनिवार की है और आरोप है कि पहले लड़की को फोन करके बुलाया गया और फिर उसे कार में अगवा कर लिया गया और उसके बाद उसे बेहोश करके कमरे में ले जाया गया जहां उसके साथ गैंगरेप हुआ। पीड़ित लड़की का कहना है कि उसके साथ मारपीट भी की गई है। वारदात को अंजाम देने के बाद लड़की को आरोपियों ने बस में बिठा दिया। घर पहुंचकर लड़की ने परिवार को आपबीती बताई। परिवार का आरोप है कि शनिवार रात को ही जब लड़की लापता हुई तो पुलिस को खबर दी गई, लेकिन पुलिस वालों ने शिकायत पर कार्रवाई की जगह वापस लौटा दिया। घर वालों का आरोप है कि अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई करती तो ये घटना शायद नहीं होती। अब पुलिस ने केस दर्ज किया है। लड़की का फोन आया मेरे पास, उसने मुझे बुलाया, प्लीज तब मैं वहाँ पे गई और उस एक बाईपास के पीछे मंदिर है वहाँ पर। उसके बाद में तीन लड़के थे, एक ड्राइव कर रहा था और दो बैठे हुए थे जिसमें से एक बाहर था, और वो बाहर जब आया तो उसके पीछे से मेरे फेस पे रुमाल लगा के उसने मुझे कार के अंदर घसीट लिया। मैं अंदर हो गई, फिर मैं बेहोश थी। उसके बाद में मुझे कहीं ले गया, मुझे पता नहीं कहाँ, और मैं रूम में थी जब मेरी आंखें खुली तब रात भर मैं बेहोश थी। बोल रहा था जा अब भाग जा तू यहाँ से ऐसे। उसके बाद वो उन्होंने मेरे साथ बहुत जबरदस्ती करी और मुझे मारा भी। और आपको बता दें इस मामले में पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने जांच के लिए तीन टीमें बनाई हैं। एसपी क्राइम के नेतृत्व में पूरी टीम ने रात भर दबिश डाली। 12 संदिग्ध लोगों को पुलिस ने अभी तक हिरासत में ले लिया है। इस पूरे प्रकरण में कि जब अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, चूँकि कल संडे था, उसके बावजूद भी जो कॉल डिटेल और जो चीज़ें आई हैं उसमें बयानों में एक विरोधाभास ये निकल कर आ रहा है कि पीड़िता ने ये बताया कि उसे फ़ोन करके बुलाया गया था, और जो कॉल डिटेल निकाली गई एक्यूज्ड की जिस फोन से पीड़िता को फ़ोन आया था, तो उस दिन 2 तारीख को पीड़िता और एक्यूज्ड के बीच में 8 बार संवाद हुआ था। 4 बार मोबाइल से बातचीत हुई थी और 3 से 4 बार SMS के थ्रू बातचीत हुई थी। इसके अलावा जो लोकेशन जो एक्यूज्ड के मोबाइल के आधार पर उसका दिया गया उस दिन का, जो मोबाइल नंबर जिस नंबर से पीड़िता को कॉल आया था उसके पूरा नंबर की जब एनालिसिस की गई है तो उसकी लोकेशन भी डिफरेंस आती है जो पीड़िता के बयान में। ये है ABP News, आपको रखे आगे।